हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग फिर बात करेंगे क्लास 12 की केमिस्ट्री का, केमिकल काइनेटिक्स के चैप्टर का। इस चैप्टर में हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में, कि रेट ऑफ रिएक्शन किसे कहते हैं, क्या होता है रेट ऑफ रिएक्शंस, कैसे रेट ऑफ रिएक्शन हम लोग कैलकुलेट करेंगे, ये चीजें हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखी थी। आज हम लोग बात करेंगे एवरेज रेट ऑफ रिएक्शंस क्या होती है और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शंस क्या होती है। किसी भी रिएक्शंस के रेट को हम लोग एक्सपेरिमेंटली कैसे मेजर करेंगे, तो आज के लेक्चर में हम लोग इन चीजों पे बात करेंगे। लेकिन इससे पहले एक बार फिर से थोड़ा सा रिकैप कर लिया जाए कि रेट ऑफ रिएक्शंस क्या है। रेट ऑफ रिएक्शंस, या इसी को हम लोग शॉर्टकट में लिखते हैं ROR, रेट ऑफ रिएक्शन। क्या चीज हम लोगों ने पढ़ा था रेट ऑफ रिएक्शंस के बारे में? हम लोगों ने पढ़ा था रेट ऑफ रिएक्शंस के बारे में कि चेंज इन एनी वन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट प्रोडक्ट्स कॉन्सेंट्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, टू टाइम इज कॉल्ड ROR, यानी रेट ऑफ रिएक्शन। हम लोगों ने ये पढ़ा था कि रेट इक्वल टू होता कितना है, रेट इक्वल टू होता है डेल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ R अपॉन डेल टी, या फिर यही इक्वल टू हो जाता है डेल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन डेल टी। ये चीजें हम लोगों ने पढ़ी थी। आज हम लोग बात करेंगे एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, रिएक्शंस की एवरेज रेट क्या होती है। हम लोगों ने इसके पहले वाले लेक्चर में ये चर्चा की थी कि किसी भी रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन ड्यूरिंग द रिएक्शन घटता है जबकि प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है। तो रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन जो घटता है वो स्टेप टू स्टेप घटता है, और हर स्टेप में जैसे जैसे रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन घटेगा उसकी रेट जो होती है वो स्लो होती जाती है। जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन घटेगा वैसे वैसे रेट जो है वो स्लो हो जाती है। तो किसी भी रिएक्शन के लिए रिएक्टेंट के इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन और फाइनल कॉन्सेंट्रेशन के डिफरेंस को मेजर करके रेट ऑफ रिएक्शन अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो ये प्रॉपर वे नहीं होगा, क्योंकि एक रिएक्शंस इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन से फाइनल कॉन्सेंट्रेशन तक एक नंबर ऑफ स्टेप में पहुंचती है। ऐसा नहीं है कि एक बार में क्या हुआ कि कॉन्सेंट्रेशन R1 था, दूसरा जो है वो कॉन्सेंट्रेशन R2 हो गया, ऐसा नहीं है। अगर केवल दो कॉन्सेंट्रेशन चेंजेस, दो स्टेप में जो चेंज हो रहा है कि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन R1 था और फाइनल कॉन्सेंट्रेशन R2 हो गया, केवल दो ही स्टेप है, तो इसको हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं R2 माइनस R1 से। लेकिन अगर मान लो कि R1 है फिर R2 इसका फाइनल कॉन्सेंट्रेशन है, तो इसके अंदर कई सारे स्टेप हो सकते हैं, R1A, R1B, ऐसे R1C, कई सारे स्टेप हो सकते हैं। अब R1C के लिए इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ये होगा और R2 के लिए इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ये होगा, R1A के लिए इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ये होगा। तो इस तरह से एक नंबर ऑफ स्टेप में कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होता है, और जैसे जैसे ये डिक्रीज होगा, मान लो यहां से देखें कि R1A माइनस R1 हो गया, ये डेल R1 मिल गया हमको, मान लेते हैं ये मिल गया। तो ऐसे सिचुएशन में जो हम रेट ऑफ रिएक्शन डिटरमिन करेंगे वो केवल इन्हीं दो कॉन्सेंट्रेशन टर्म में होगा। अभी इसके और इसके बीच में देखें तो इसका जो भी रेट ऑफ रिएक्शन आएगा, इसके लिए जो आएगा रेट ऑफ रिएक्शन वो कम हो जाएगा, इसका वाला थोड़ा ज्यादा रहेगा, क्योंकि यहां पे अगर देखें तो R1A का कॉन्सेंट्रेशन जो है वो R1 से कम है। तो जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन घटता जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन स्लो होती जाएगी, तो हम केवल दो स्टेप को लेकर के रेट ऑफ रिएक्शन डिटरमिन नहीं कर सकते। इसलिए बात आती है कि हम लोग जो रेट ऑफ रिएक्शन डिटरमिन करें वो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन डिटरमिन करें। तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शंस क्या चीज होगी, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस इन
एप्रिशिएबल इंटरवल ऑफ टाइम, एक ऐसी रिएक्शंस का रेट जिसमें एक एप्रिशिएबल इंटरवल हो रहा हो, टाइम एक निश्चित टाइम हो रहा हो, कुछ समय लग रहा हो जो मेजरेबल हो, जिसको हम मेजर कर सकते हैं, उसी को एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। तो क्या कहेंगे एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन? रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इन appreciable interval of time, appreciable interval of time is called average rate of reaction। इसी को average rate of reaction कहते हैं। किसी भी केमिकल रिएक्शन को जो कि एक एप्रिशिएबल इंटरवल ऑफ टाइम में हो रही है, उसी को हम क्या कहेंगे? एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। तो जितने भी रेट ऑफ रिएक्शंस हम लोग कैलकुलेट करते हैं, वो सब एवरेज रेट ऑफ रिएक्शंस ही कैलकुलेट करते हैं, या किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे किसी रेट, किसी रिएक्शन के रेट को जब हम डिटरमिन करते हैं तो उसको इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। लास्ट लेक्चर में जो हम लोगों ने बात करी थी, जितने भी रिएक्शंस के रेट डिटरमिन करने के लिए हम लोगों ने देखा था, वो सब एवरेज रेट ऑफ रिएक्शंस थे। तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शंस मान लेते हैं, जनरल रिएक्शन है, ए से प्रोडक्ट बन रहा है क्या? बी। तो ए से अगर बी बन रहा है प्रोडक्ट, ऐसी कंडीशन में जो रेट होगा, रेट ऑफ रिएक्शन, ये एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन होगा, इसको आर एवरेज लिखते हैं। तो R average equal to minus del concentration of A upon del T, that is equal to del concentration of B upon del T. ये average rate of reaction होता है। इसी को हम लोग average rate of reactions कहेंगे। तो इस तरह से अगर हम लोग देखें, तो जितने भी chemical reactions हम लोगों ने पढ़ी थी, जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कि PCl5 disassociate into PCl3 plus Cl2, तो इसके लिए माइनस डेल जो आर एवरेज होगा वो कितना हो जाएगा? माइनस डेल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ PCl5 अपॉन डेल टी, दैट इज इक्वल टू डेल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ PCl3 अपॉन डेल टी, दैट इज इक्वल टू कितना? डेल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl2 अपॉन डेल टी। इस तरह से ये एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन है। तो जितने भी रेट ऑफ रिएक्शन होंगी जिनको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, वो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन होती है। जैसे H2 plus Cl2 बनता क्या है? 2HCl। ऐसी कंडीशन में क्या हो जाएगा? R average that is equal to कितना हो जाएगा? minus del concentration of H2 upon del T, that is equal to minus del concentration of Cl2 upon कितना? del T, that is equal to 1 by 2 del concentration of HCl upon del T। अगर कोई भी ऐसी केमिकल रिएक्शन है जिसमें स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स लगा हुआ हो, तो उसका भी हम लोग एवरेज कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर ग्राफिकली हम लोग इसको रिप्रेजेंट करना चाहें, तो ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी एवरेज रिएक्शंस को? हम लोग ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो आइए देख लेते हैं कैसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं। हम लोग एक ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं इनके बीच में, किसके किसके बीच में? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड टाइम। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड टाइम, इनके बीच में। तो हम लोग दोनों चीजों को लेकर के चलते हैं। ये एक हम ग्राफ प्लॉट करेंगे, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आर और ये क्या हो जाएगा? टाइम। अगर हम लोग रिएक्टेंट के टर्म में यूज करें, तो रिएक्टेंट के टर्म में ये रिएक्शंस का ग्राफ इस तरह से मिलता है, इस तरह से ऐसे। ये हो गया रिएक्टेंट के टर्म में। लेकिन अगर मान लो कि हम लोग प्रोडक्ट के टर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, मान लो यहां हम लिखते हैं क्या? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ टी और ये हो गया वर्सेस टी, तो जो ग्राफ मिलेगा वो इस तरह से ग्राफ मिलता है, ऐसे ये ग्राफ होता है। अगर दोनों को हम लोग एक ही ग्राफ में रिप्रेजेंट करें, तो अगर दोनों को एक ही ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं, मान लो कि यही जो पर्टिकुलर रिएक्शन हम लोगों ने अभी लिखी है ए टुवर्ड्स बी, तो इसके लिए अगर हम लोग रिप्रेजेंट करें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों को, तो देखो रिएक्टेंट का टर्म ये होगा, ये हो गया आपका ए, प्रोडक्ट का टर्म क्या होगा? ये होगा, ये हो गया आपका बी।
ये क्या पॉइंट है? ये वो पॉइंट है जहां पे दोनों रिएक्टेंट मतलब दोनों का रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों का कॉन्सेंट्रेशन जो है वो सेम हो जाता है और इसी को आप कह सकते हो कि इक्विलिब्रियम पॉइंट है। यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड और बैकवर्ड इक्वल हो जाती है, दोनों का कॉन्सेंट्रेशन सेम हो जाएगा। अगर आप इसी चीज को और सिंपल वे में देखना चाहते हैं तो देख लीजिए, मान लेते हैं कि ये है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आर, मान लो कि किसी भी टाइम इंटरवल पे रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन कितना था आर वन, और जब ये आर वन था उस समय टाइम इंटरवल कितना था टी वन था, अभी थोड़ा सा टाइम बढ़ा और टाइम हो गया कितना टी टू, टाइम हो गया टी टू, तो कॉन्सेंट्रेशन कितना हो गया आर टू। अब इन दोनों को अगर हम लोग मिलाएं तो इस तरह से हम मिला सकते हैं इसको, और जो इसका स्लोप होगा, जो स्लोप होगा वही स्लोप क्या बताएगा हमको आर एवरेज। ये स्लोप जो होगा वो होगा आर एवरेज, दैट इज इक्वल टू कितना माइनस डेल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आर अपॉन डेल टी, दैट इज इक्वल टू स्लोप। तो इस तरह से हम लोग एवरेज रेट ऑफ रिएक्शंस को ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये था आपका एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। अभी हम लोग बात करेंगे इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शंस की। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शंस किसे कहते हैं, क्या चीज होता है? लेकिन इससे पहले एक और चीज हम लोग जान ले, बहुत छोटी सी चीज है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम टाइम पे हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। जब भी कभी ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती है तो ये कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है और उस कंफ्यूजन की वजह से क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं। तो क्या चीज हम लोगों को देखना है, सपोज करो कि हमारे पास कोई भी केमिकल रिएक्शंस है जो कि आपको क्वेश्चन में दी गई है, और वो ऐसे केमिकल रिएक्शंस है जिसमें स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स लगे हुए हैं। तो अगर स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स लगे हुए हैं तो उनका रेट तो हम लोग जान गए कि रेट को सिंपली कैसे डिटरमिन करेंगे, ये चीज तो हमने पता लगा ली कि रेट डिटरमिन करना है तो कैसे रेट डिटरमिन करें। लेकिन अभी हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में एक और चीज पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी हम लोगों ने एक चीज पढ़ी थी कि रेट ऑफ रिएक्शन जो होती है, रेट ऑफ रिएक्शन दैट इज इक्वल टू डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट अपॉन टाइम, या फिर हम लोगों ने पढ़ा था अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट अपॉन टाइम। मान हम लोगों ने इस चीज को पढ़ा था, तो मान लेते हैं कि हमको कोई एक रिएक्शन दी जाती है और उस रिएक्शंस के थ्रू हमें यह पूछा जाता है कि डिसअपीयरेंस का रेट क्या है रिएक्टेंट के, या प्रोडक्ट के अपीयरेंस का रेट क्या है, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। मान लेते हैं कि एक रिएक्शन है हमारे पास, एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन 3x plus 4y that is equal to 2z, 3x plus 4y equal to कितना हो गया 2z। तो एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन है इसको हमने माना। अभी हम लोग इसके लिए रेट अगर डिटरमिन करें तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस 1 by 3 del concentration of x upon del t, that is equal to minus 1 upon 4 del concentration of y upon del t, that is equal to 1 by 2 del concentration of z upon del t, this is the rate of reaction। लेकिन अगर हमें यहीं पे appearance या disappearance of reactant प्रोडक्ट कैलकुलेट करना हो तो कैसे निकालेंगे, यानी रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ जेड, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ जेड अगर हमें कैलकुलेट करना है तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ जेड अगर कैलकुलेट करना है तो ऐसी कंडीशन में सीधे सीधे क्या लिख लेंगे, डेल जेड अपॉन कितना डेल टी, यहाँ पे ही स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स नहीं होते, नहीं लिखे जाएंगे, क्योंकि रेट जो होगी उसमें स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स लगेंगे और रेट ऑफ अपीयरेंस के लिए स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट नहीं लगाएंगे। ठीक इसी तरह से कि रेट ऑफ
डिसअपीयरेंस, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ एक्स दैट इज इक्वल टू कितना, माइनस डेल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एक्स, माइनस डेल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एक्स अपॉन कितना डेल टी। आप इसको और भी एक तरीके से लिख सकते हो, माइनस का साइन हट जाएगा, मॉड लगा दें, डेल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एक्स अपॉन डेल टी। तो इस तरह से अगर हमें अपेरेंस या डिसअपेरेंस कैलकुलेट करना है तो वो इसके बराबर होता है। इसके लिए हमें स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स को लिखने की जरूरत नहीं है। और जब रेट ऑफ रिएक्शंस कैलकुलेट करना होगा तब जाकर के हम लोग स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स का यूज करते हैं। दूसरी चीज हम लोग देखें, यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, तो रेट ऑफ रिएक्शंस की यूनिट क्या होती है, फॉर्मूले से निकाल लें कैसे, आर ओ आर रेट ऑफ रिएक्शन। ये हम लोगों ने क्या देखा था, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम देखा था हम लोगों ने। तो कॉन्सेंट्रेशन कितना होता है, मोल पर लीटर, और टाइम कितना हो जाता है, सेकेंड। तो रिएक्शन का जो हमें जो रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट मिला वो कितना मिल गया, मोल पर लीटर पर सेकेंड। दिस इज द यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। अभी एक और चीज बची हुई है कि अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, जो रिएक्शंस के रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हैं, ये सभी के सभी गैसेस हों तो हम इसकी यूनिट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट गैसेस हैं तो ऐसे में किसी भी गैस के कॉन्सेंट्रेशन को उसके प्रेशर से रिप्रेजेंट करते हैं, तो सिंपली एटमॉस्फेयर पर सेकेंड हो जाएगा और कुछ नहीं करना है। तो इन केस ऑफ गैसेस एज ए रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों क्या चीजें हैं, गैस है, तो ऐसी कंडीशन में जो इसका यूनिट होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, तो यूनिट हो जाएगा, क्योंकि गैसों का जो कॉन्सेंट्रेशन होता है वो उनके प्रेशर से निकाला जाता है, और प्रेशर को हम लोग नापते हैं किसमें, एटमॉस्फेयर पर सेकेंड। तो यही हो जाएगा एटमॉस्फेयर पर सेकेंड। दूसरी चीज कि अगर गैसेस रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हैं, उनके कॉन्सेंट्रेशन को हम लोग ले रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में हम इस चीज को कैसे प्राप्त करें, इस चीज को हम लोग कैसे प्राप्त करते हैं, इसको भी हम लोग देख लें। तो यहां पे हम लोग गैस लॉ अप्लाई करेंगे, और ये देखते हैं कैसे, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और हमेशा ये चीजें माइंड में होनी चाहिए एकदम बिल्कुल क्विक, कोई भी चीज को आप डिटरमिन कर पाए, इसलिए इन छोटी छोटी चीजों को माइंड में रखें कि अगर गैसेस रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है तो वहां पे मोल पर लीटर नहीं लगाना है, वहां पे एटमॉस्फेयर पर सेकंड लगाएंगे अगर आरओआर का यूनिट हमें लिखना पड़ रहा है। तो इन केस ऑफ गैसियस रिएक्शन, इन केस ऑफ गैसियस रिएक्शन, व्हेन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट Both are gases. दोनों क्या है, गैस है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों जो है वो गैस है। तो by applying gaseous law, अगर gaseous law को हम लोग apply करते हैं तो क्या हम लोगों ने पढ़ा था, gaseous law PV equal to कितना, nRT, तो P equal to कितना, N upon VRT, P equal to कितना, N upon VRT। अब हम लोग जानते हैं यहाँ पे क्या चीज, कि N upon V that is related to C, C is the concentration, तो हम लिख सकते हैं P equal to कितना, CRT। अब सवाल ये है कि अगर हम लोग concentration को किसमें ले लें, मोलैरिटी के टर्म में ले लें, तो ऐसी कंडीशन में जो कॉन्सेंट्रेशन होगा डेल पी, डेल पी, ये डेल पी अपॉन कितना हो जाएगा डेल टी, दैट इज इक्वल टू डेल
कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी अपॉन डेल टी इंटू कितना हो जाएगा आर टी। अब डेल सी जो है जो डेल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी है इसको हम लोग किसमें रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको हम लोग मोलैरिटी में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कॉन्सेंट्रेशन है ये तो मोलैरिटी में अगर इसको हम लोग रिप्रेजेंट कर देते हैं तो रेट इन एटमॉस्फियर पर सेकेंड दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा रेट इन मोलैरिटी पर सेकेंड इंटू आर टी। तो इस तरह से रेट इन एटमॉस्फियर पर सेकेंड दैट इज इक्वल टू रेट इन मोलैरिटी पर सेकेंड इंटू आर टी। तो इस तरह से जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट अगर रिएक्शन में जो है वो गैसे हैं तो इसको हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसको कॉपी कर लीजिए आप लोग फटाफट। आइए अब हम लोग देखेंगे इंस्टॉन्टेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। Instantaneous rate of reactions क्या होते हैं? Instantaneous rate of reactions किसे कहते हैं? तो जब किसी भी reactions को होने में instant of time लगे, यानी जो time difference है वो बहुत minimum हो, उस time को हम लोग क्या करें, उस time को हम लोग measure करने में असमर्थ हो जाए तो रेट ऑफ रिएक्शंस को हम जो कैलकुलेट करते हैं वो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शंस कहलाता है। यानी व्हेन डेल टी अप्रोचेस टू जीरो, इतना मिनिमम हो, लिमिट डिसाइड करेंगे कि डेल टी जो है वो अप्रोच कर रहा है किसको, जीरो को, तो इस टाइम में जो हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन निकालते हैं उसी को क्या कहते हैं, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे। जैसे सपोज करते हैं कि एक हमारे पास ग्राफ है और इस ग्राफ में हमें ये पता चला कि ये ग्राफ इस तरह से मिल रहा है जो कि एक एवरेज रिएक्शन का स्लोप है रिएक्टेंट और वर्सेस टाइम के टर्म में है। तो अभी हमें पता चल रहा है, क्या चीज पता चल रहा है कि जब इसका कॉन्सेंट्रेशन आर वन था तो इसका टाइम कितना था, टी वन था। जब इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना हो गया, आर टू हो गया, तो ये टाइम था जो वो क्या हो गया, टी टू हो गया। सपोज करो हमें कह रहा है कि इसका रेट ऑफ जो रिएक्शन है या कॉन्सेंट्रेशन जो है वो टी पे क्या होगा, अगर ये टी है तो दैट इज इंस्टेंटेनियस रेट। ये पॉइंट पी जो है वो हमें क्या बताएगा, वो इंस्टेंटेनियस रेट बताएगा, क्योंकि टी वन और टी टू और टी के बीच का जो डिफरेंस है वो डेल टी अप्रोचेस टू जीरो के लगभग है, यानी बहुत मिनिमम डिफरेंस है। तो इस पर जो रेट ऑफ रिएक्शंस होती है उसको हम लोग क्या कहेंगे, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शंस। तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शंस क्या होता है, the rate of change in concentration of any one reactant or product, the rate of change in concentration of any one reactant or product at any instant of time is called instantaneous rate of reaction. अगर किसी instant of time पे जो reactant और product के concentration में, reactant या product के किसी एक के concentration में जो changing होती है time के साथ, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग instantaneous rate of reaction कहते हैं। तो
जो इसका इंटरवल ऑफ टाइम होता है, तो ये इंटरवल ऑफ टाइम जो है वो बहुत ही इंफिनिटेसिमल स्मॉल, जिसको हम लोग कहते हैं बहुत ही छोटा होता है। तो मान लेते हैं कि कोई भी रिएक्शन है, अगर कोई भी रिएक्शन है तो उसके लिए आर इंस्टेंटेनियस इक्वल टू कितना हो जाता है, माइनस बी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आर अपॉन डी टी, माइनस डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आर अपॉन डी टी। अगर प्रोडक्ट होगा तो डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पी अपॉन कितना हो जाएगा, डी टी, सिंपल। तो आर इंस्टेंटेनियस जो होगा वो माइनस डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आर अपॉन डी टी या इक्वल टू डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पी अपॉन कितना, डी टी। मान लो एक पर्टिकुलर रिएक्शन है जिसमें ए से बी का फॉर्मेशन हो रहा है, तो आर इंस्टेंटेनियस, आर इंस्टेंटेनियस ये कितने के बराबर हो जाएगा, ये इक्वल टू हो जाएगा किसके बराबर, माइनस डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए अपॉन डी टी या डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी अपॉन कितना, डी टी। तो अगर मान लें कि जो यहां पे जो हम लोग एवरेज रेट ऑफ रिएक्शंस लिखते थे, ये तो आर इंस्टेंटेनियस हो गया, अगर एवरेज रेट ऑफ रिएक्शंस देखा जाए तो आर एवरेज हम लोगों ने क्या पढ़ा था, आर एवरेज माइनस डेल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए अपॉन कितना, डेल टी, या डेल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कितना, बी अपॉन कितना, डेल टी। अभी इंस्टेंटेनियस में क्या कह रहा है कि जो टाइम इंटरवल है वो बहुत छोटा है, यानी कि डेल टी ऐसे लिखते हैं कि when del t becomes very small मतलब it approaches to zero, तो ऐसे में r instantaneous जो होगा उसको हम लोग limit के थ्रू निकालेंगे, del t towards कितना, zero, minus del concentration of a upon del t जो है वो equal to हो जाएगा किसके, minus d कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए अपॉन कितना, डी। तो ये इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन होता है। तो किसी भी रिएक्शन को हम लोग उसके इंस्टेंट ऑफ टाइम पे कॉन्सेंट्रेशन में क्या चेंजिंग हो रही है विद रिस्पेक्ट ऑफ टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं। कोई भी रिएक्शन हो, अगर मान लो कि हम एक रिएक्शन लेते हैं एच टू प्लस आई टू दैट इज इक्वल टू टू एच आई, तो इसके लिए आर इंस्टेंटेनियस अगर हमको निकालना है, R instantaneous that is equal to कितना हो जाएगा, minus d concentration of H2 upon dt that is equal to minus d concentration of I2 upon कितना, dt, that is equal to कितना, 1 by 2d concentration of HI upon dt, ये हो जाएगा। अगर हमारे पास रिएक्शन है N2 plus 3H2, इसका बहुत ज्यादा यूज करना है पूरे चैप्टर में, तो ये हो जाएगा 2NH3। तो अगर R instantaneous निकालना है तो सिंपली हम कैसे निकाल सकते हैं, माइनस डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2 अपॉन कितना, dt, इक्वल टू 1 बाई 3, माइनस 1 बाई 3 डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 अपॉन कितना, dt, या इक्वल टू हो जाएगा 1 बाई 2 डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH3 अपॉन dt। तो इस तरह से हम लोग किसी भी रिएक्शंस के लिए instantaneous रेट ऑफ रिएक्शंस मेजर कर सकते हैं। तो अभी हम लोगों ने दो चीजें पढ़ी, एक तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शंस पढ़ा कि कैसे हम लोग एवरेज रेट ऑफ रिएक्शंस डिटरमिन कर सकते हैं, और दूसरी चीज जो हम लोगों ने पढ़ी वो ये कि इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शंस कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है। आइए अगर हम लोग किसी भी एक जनरल रिएक्शंस को ले लें, किसी भी जनरल रिएक्शंस, ये तो हो गया कि कोई पर्टिकुलर रिएक्शंस है, इसके अतिरिक्त भी आपके सामने रिएक्शंस आ सकती हैं, जैसे मान लो ले लिया x1a plus x2b x2b, या इस तरह से ले लें n1 n1a plus n2b that is equal to कितना m1c plus m2d, मान लेते हैं कि ये रिएक्शंस है। तो इंस्टेंटेनियस रिएक्शंस कैसे निकालेंगे इसके लिए, तो r instantaneous that is equal to minus 1 upon n1d concentration of a upon कितना dt, that is equal to minus 1 upon x2 b concentration of b upon कितना हो जाएगा dt, that is equal to 1 upon m1 on b concentration of c upon कितना हो गया dt, that is equal to 1 upon m2 b concentration of d upon dt। किसी भी जनरल रिएक्शंस के लिए हम लोग इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शंस इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं।
अब अगर हम लोग किसी भी रिएक्शंस को एक्सपेरिमेंटली मेजर करना चाहते हैं तो हम कैसे मेजर करें, तो एक्सपेरिमेंटली मेजर करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे अच्छा मेथड है कि हम लोग रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम में ग्राफ प्लॉट करें और उस ग्राफ से जो स्लोप मिलता है हम उस स्लोप को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो आइए देखते हैं, अभी हम लोगों ने देखा था कि जो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शंस कैलकुलेट करनी है तो ग्राफिकली कैसे कैलकुलेट कर लेते हैं, स्लोप जो होता है वो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शंस के बराबर होता है। लेकिन अगर इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शंस है तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शंस को हम लोग ग्राफिकली कैसे मेजर करें या एक्सपेरिमेंटली कैसे मेजर करें, क्योंकि एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन से हमें चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन और टाइम टेकन टू चेंज द कॉन्सेंट्रेशन दोनों चीजें मिल जाती है। तो इन दोनों के बीच में अगर हम ग्राफ प्लॉट करें तो हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। मेजरमेंट ऑफ आर इंस्टेंटेनियस, कैसे आर इंस्टेंटेनियस को मेजर करें, तो मान लेते हैं पहले रिएक्टेंट के टर्म में देखते हैं, ये हमने ग्राफ प्लॉट किया और ये इस तरह से रिएक्टेंट हो, हमें क्या करना है, हमें किसी पर्टिकुलर टाइम इंटरवल टी पे इसका रेट ऑफ रिएक्शन चेक करना है और मान लो कि पॉइंट पी है तो इस पॉइंट पी पे हमें क्या करना है, इसको चेक कर लेना है। तो क्या करें इसके लिए, हम क्या करें, कुछ नहीं करना है, सिंपली इसके लिए हम एक टेंजेंट यहां डालते हैं, यहां पे एक टेंजेंट है इस तरह से, और ये टेंजेंट हमने डाला, अब इस पॉइंट को ऐसे और इस पॉइंट को ऐसे मिला देते हैं, मिला लेते हैं। ये जो स्लोप होगा, ये इसका जो स्लोप होगा, यही स्लोप हमें बताएगा क्या, आर इंस्टेंटेनियस, यानी स्लोप दैट इज इक्वल टू आर इंस्टेंटेनियस, यानी यही इक्वल टू हो जाएगा कितना, यही इक्वल टू हो जाएगा माइनस डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आर अपॉन किसके बराबर, डी टी के बराबर। और हम लोगों ने पढ़ा है, क्या पढ़ा है हम लोगों ने, कि अगर किसी भी टेंजेंट को रख करके हम स्लोप कैलकुलेट करते हैं तो ये वाला एंगल जो होता है वो टैन थीटा के थ्रू मेजर किया जाता है, तो टैन थीटा दैट विल बी इक्वल टू कितना, आर इंस्टेंटेनियस, यही इक्वल टू कितना, माइनस बी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आर अपॉन कितना, डी। तो अब ये डिसाइड करेगा कि जो इस टेंजेंट के थ्रू एंगल बन रहा है वो एंगल डिसाइड करेगा कि यहां पे जो आर इंस्टेंटेनियस है वो कितना होगा। तो इस तरह से हम लोग रिएक्टेंट के टर्म में कैलकुलेट करते हैं। बिल्कुल सिमिलर वे में अगर आप प्रोडक्ट के टर्म में कैलकुलेट करना चाहते हो तो प्रोडक्ट के लिए ग्राफ इस तरह से होता है। अब मान लो कि ये पॉइंट पी है, जिस पॉइंट पी पे हमें क्या करना है, टाइम टी पे इसका रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करना है। तो यहां भी हमें कुछ नहीं करना है, सिंपली सिर्फ और सिर्फ हमें क्या करना है, एक टेंजेंट यहां पे डाल, एक टेंजेंट हमने डाल दिया और जैसे हमने टेंजेंट डाला इसको हम लोग ऐसे मिला लेंगे और जो इसका स्लोप आएगा ये एंगल देखेंगे और जो ये स्लोप होगा यही स्लोप किसके बराबर हो जाएगा, स्लोप इक्वल टू बी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पी अपॉन कितना, डी टी, यही हो जाएगा किसके बराबर, और इंस्टेंटेनियस के बराबर। और स्लोप का जो ये एंगल थीटा है वो किससे मेजर होगा, टैन थीटा से, तो टैन थीटा इक्वल टू डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पी अपॉन कितना, dt, that is equal to r instant x। तो ये angle decide करेगा कि इस instant of time पर rate of reactions जो है वो कितनी होगी। तो students, इतनी चीजों को आप लोग note कर लीजिए और इतनी चीजों को आप लोग दोहरा लीजिए, repeat कर लीजिए बार बार। Next lecture में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि वो कौन कौन से factors हैं जो rate of reactions को प्रभावित करते हैं। तो हम लोग बात करेंगे next lecture में कि वो कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो रेट ऑफ रिएक्शंस को इन्फ्लुएंसेस करते हैं, उनको प्रभावित करते हैं। इसके साथ साथ हम लोग इन चीजों के आधार पे जो चीजें आज हम लोगों ने ये पढ़ी हैं इनपे कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, क्योंकि प्रॉब्लम सॉल्व करना जरूरी है। हमने पढ़ तो लिया लेकिन इसको अप्लाई कैसे करें, कहाँ इसका यूज होगा, कैसे यूज होगा, तो इन चीजों के बारे में देखेंगे और फिर उसके बाद हम लोग रेट लॉ एक्सप्रेशन देखेंगे। तो तब तक आप लोग इन चीजों को बढ़िया से नोट बनाइए, नोट्स अपने आप से बनाइए और जो चीजें आप नोट्स बनाइए उनको प्रिपेयर करिए, बार बार रिपीट करिए ताकि ये फॉर्मूले भूलने ना पाए।
तेरी कूलनेस का स्वैग कहीं लो ना हो जाए, तेरी लाइफ की स्पीड कहीं स्लो ना हो जाए, तेरी कूलनेस का स्वैग कहीं लो ना हो जाए, तेरी लाइफ की स्पीड कहीं स्लो ना हो जाए। जरा ध्यान से सुनो ना, फिर बाद में ना रोना, थोड़ी केयर तो करो ना, हाथ अच्छे से धो ना, लेट्स रोको कोरोना, थोड़ी केयर तो करो ना, थोड़ी